महिला में मश्रित पब्लिक चैनल से। दोस्तों आपको पता है कि चुनाव का वक्त जो है एकदम खत्म हो गया है, 4 दिन सिर्फ बाकी है और कहीं कहीं पर वोटिंग हो भी चुकी है। और दूसरी चीज यह है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है वो सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है लोकसभा सीट पे। ये 545 सीट है जिसपे मतलब ये चुनाव हो रहा है और 90 करोड़ वोटर जो रजिस्ट्रेशन है, 90 करोड़ लोग इस वक्त तैयार है वोट डालने के लिए अपना। और ये 90 करोड़ हाथों में लोगों की भविष्य है कि किसकी सरकार कैसे बनेगी। ये लोग अपना जो हमारा एक अधिकार है वोट डालने का, ये वो अधिकार है जो हम ऐसे लोगों को लाके हम चुन के बिठाते हैं जो हमारे सर के ऊपर बैठ के और हम ही को डंडा मारते हैं और हम ही को बेवकूफ साबित करते हैं। तो इस न्यूज के जरिए से मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, लोगों को बताना भी चाहता हूँ कि अपने जो वोट का इस्तेमाल है वो बहुत सही ढंग से और बहुत सोच समझ के किया जाए। क्योंकि आप सब जानते हो कि इस बार जो है ईवीएम मशीन पे जो है जहाँ पर्ची निकलती है वहाँ छपती है पर्ची, तो जब तक वो पर्ची छप के नहीं निकले, जब तक आप अपना हाथ वहां से ना हटाएं और उस बटन के ऊपर मतलब आप ध्यान दें, जिस आदमी को आपने वोट डाला है उस आदमी का चुनाव निशान आप याद रखिए। और याद रखने के बाद वो जब पर्ची के ऊपर वो चुनाव निशान आ जाता है फिर आप अपना वहां से हाथ हटाइए और वहां से हटिए, ताकि आपका वोट जो है जाया ना जाए, आपका वोट किसी फर्जी आदमी को ना जाए। ये बहुत सोच समझ के या आम जनता को ये वोट डालना है। जैसे कि आप जानते हो कि ये चुनाव को ले इतना बड़ा मुद्दा और इतना बड़ा एक ये है कि मतलब जो है ये बहुत अहम होता है, ये बहुत अहम है ये चुनाव। और ये चुनाव को लेके बहुत प्रक्रिया जो आपके सामने आ रही है कि कहीं पे डंडों से मार के भगाया जा रहा है, कहीं पोलिंग बूथ से जो एजेंट होते हैं पोलिंग बूथ के उनको भगाया जा रहा है। तो ये चुनाव बहुत अहम है आप लोगों के लिए और हमारे लिए भी। मैं लालू मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए नमस्कार।